हाँ जी स्टूडेंट, जैसे कल हमने ये टॉपिक किया था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने आंसर निकाला था कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वो किसके इक्वल है, 1/6। अगर हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इट मीन्स वेट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट ऑन द मून है वो इक्वल टू 1/6 वेट ऑन द अर्थ। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका जो भार है, ठीक है, जो भार है वो धरती पे किसी के ऑब्जेक्ट के भार से 6 गुना कम होगा, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 6 मल्टीप्लाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून किसके इक्वल है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब धरती मून पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो भार है वो 6 गुना है किसका, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ है, ओके। अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज द मास ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है तो हमने उसका वेट बताना है अर्थ। हाँ जी, अब हमारे पास जो मास है मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम, तो हमने क्या फाइंड करना है, वेट, ठीक है। हमने कल किया था कि जो वेट है, वेट किसके इक्वल होता है, m इंटू जी, वेट के, क्योंकि ये चीज है, ये किसके इक्वल है, फोर्स के। हमने कल बताया था जो फोर्स वेट है वो एक तरह की फोर्स है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हमें पता है जो जी की वैल्यू कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेचुरली अब हम वेट फाइंड करेंगे, मास कितना दिया 10, ये दिया 9.8, जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 10 से 10 कैंसिल, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी यूनिट किसके इक्वल है, न्यूटन के। इट मीन्स जो वेट है वो किसके इक्वल हो गया, 98 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है, आगे फोर्स की यूनिट है, ओके। तो हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या जिसका वेट 10 न्यूटन है धरती पे, जहां हमने बताना है कि उसका वेट मून पे कितना होगा, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना वेट है, 10 न्यूटन। तो हमने क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पे उसका वेट क्या करना है, पता करना है। वो लिखेंगे वी नो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वो किसके इक्वल है, 1/6 के। तो हम लिखेंगे यहां पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, धरती पर कितना वेट है, 10 न्यूटन, ये किसके इक्वल है, 1/6। अब हम ये वाली टर्म उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वो कितना आ गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 6, 10/6, 5/3, 2 के टेबल में कैंसिल, 3 × 1 = 3, ठीक है, 1.67 न्यूटन। डियर फोर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वो हमारे पास कितना आ गया, 1.67 न्यूटन, ठीक है। तो आपने ये दोनों न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करने हैं और अपनी नोटबुक पे भी करना है। हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है।
तो यू हैव बीन एवर वंडर वाई कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजली, मतलब आपने देखा होगा कि जो कैमल है वो रेत पर बड़ी आसानी से कैसे चल सकता है। वाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1,000 टन रेस्ट अपॉन ए कॉन्टिन्यू चेन, मतलब जो आर्मी चेन है जिसका जो भार है वो 1,000 टन से भी ज्यादा है, तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे चलता है एक चेन के ऊपर, ठीक है। वाई ट्रक ऑन और ए मोटर बस हैज मच वाइडर वायर, जो टायर्स होते हैं ट्रक के या मोटर बाइक के वो ज्यादा चौड़े क्यों होते हैं, अभी आपने ये सोचा। वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एज, जो कटिंग टूल्स है जैसे हमारी होती है चाकू होता है वो उनकी शार्प एज की होती है, वो तीखे क्यों होते हैं आगे से। इन ऑर्डर टू एड्रेस दी सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना इन्वॉल्व, तो अभी आपने इन अगर चीजों को समझना है और इसके पीछे में देखना है कौन सा फिनोमिना यूज होता है, तो हमारे लिए एक न्यू कंसेप्ट आपका वेट कर रहा है। तो वो न्यू कंसेप्ट के आपके पास नेट फोर्स इज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इट इज थ्रस्ट एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, मतलब हम दो सब्जेक्ट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट क्या होती है, थ्रस्ट क्या है, द नेट फोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक टोटल फोर्स जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, ओके। एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो जो पर यूनिट एरिया पे वो कितनी फोर्स लग रही है उस चीज के बारे में हम आगे पढ़ने। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अब हम सिचुएशंस को पढ़ के बताते हैं। जैसे यू विश टू फिक्स ए पोस्टर ऑन ए बटन बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे हम ये देखो एक वो पोस्टर लगा रहे हैं ना, तो पोस्टर लगाने के लिए वो यहाँ इस पे ये चीज किसका यूज कर रहा है, वो देखो ये चीज नेल का क्या कर रहा है यूज कर। टू डी डू दिस यू हैव टू प्रेस द ड्रॉइंग पिन्स, जैसे आप ड्रॉइंग पिन लगाते हो, ठीक है। यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, जो पिन का हेड है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं फोर्स लगाते हैं ना, दबाव डालते हैं ऐसे। दिस फोर्स इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, अब जैसे सरफेस एरिया तो आप ऐसे लगा रहे हो, जैसे ये वाला सरफेस एरिया आप ऐसे लगा रहे हो, तो ये चीज इसके क्या होगी परपेंडिकुलर, देखो बिल्कुल सीधा हो गया ना परपेंडिकुलर। द फोर्स एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन, मतलब ये फोर्स कहाँ पे लग रही है, छोटे एरिया पे लग रही है एट द टॉप ऑफ द पिन पे, ठीक है। अब सिचुएशन टू क्या, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, अगर आप एक सैंड पे खड़े हो, ठीक है, यू योर फीट गो डीप इन टू द सैंड, और आपके जो पाँव है वो सैंड में धंसते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, अगर आप सैंड पे लेट जाओ, यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड, ये आपके जो बॉडी है वो सैंड में नहीं जाएगी, वो अंदर नहीं जाएगी। इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्ट ऑन द सैंड इज वेइंग, सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी, इन दोनों केसेस में जो सैंड पे फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है, आपका बॉडी, ठीक है। नाउ यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्चुअली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अभी आपने देखा जो वेट है, वेट क्या इज द फोर्स है विच एक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड चलती है, ठीक है। हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सैंड, अब अगर सैंड के ऊपर खड़ेंगे तो नेचुरली जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर किसके है, सरफेस ऑफ सैंड के। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, तो थ्रस्ट क्या होगी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब हम परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। हाँ जी स्टूडेंट, अब थ्रस्ट क्या है, देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब किसी भी जगह के सरफेस पे अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। जैसे यहाँ पे ये नोटबुक है, यहाँ पे मैं जो पेन है उसके परपेंडिकुलर लगा रही हूँ ना, तो जैसे ये सरफेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैं कोई भी चीज लगा रही हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। अगर आपने यहाँ पे पिन लगाना है तो आप पिन ऐसे तो लगाओगे नहीं, पिन को लगाने के लिए ऊपर से ऐसे प्रेस करोगे ना, तो फिर वो चीज को नीचे से प्रेस करो तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, अगर आप लूज सैंड पे खड़े हो द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी, मतलब आपके बॉडी का जो भार है इज एक्टिंग ऑन एरिया इक्वल टू योर फीट, मतलब आपकी जो बॉडी का वेट है वो अब कहाँ पे एक्ट कर रहा है, आपके जितने आपके पैरों का भार है, जितने अपने पैरों का एरिया है
वहां पे एक्ट कर रहा है। व्हेन यू लाई डाउन, अगर आप नीचे लेट जाते हो, द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी, तो जो सेम फोर्स कहाँ पे एक्टिंग करेगी, जितने एरिया पर आपकी, जितना एरिया अपनी आपकी बॉडी का सैंड को टच कर रहा है, विच इज लार्जर देन एरिया ऑफ योर फीट, मतलब जो बॉडी का एरिया वो आपके फीट के एरिया से क्या ज्यादा है। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, इसलिए जो इफेक्ट फोर्स का जो इफेक्ट है सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम मैग्नीट्यूड की जो फोर्स है वो डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट काम करती है। इन अबव केस द थ्रस्ट इज सेम, इन सभी चीजों में जो थ्रस्ट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट इफेक्ट इज डिफरेंट, पर उसका जो असर है वो अलग अलग होगा। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑन विच इट एक्ट, इसलिए जो थ्रस्ट है उसका जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब जो थ्रस्ट है वो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाई स्टैंडिंग देन वाई लाइंग, मतलब जो थ्रस्ट का इफेक्ट है, हाँ जी स्टूडेंट, अब हमें द इफेक्ट ऑफ जो थ्रस्ट है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लेइंग, मतलब जब हम सैंड पे खड़े होते हैं तब इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ज्यादा है, जब हम सैंड पे लेटे होते हैं, लाइंग मतलब लेटना होता है, तब उसका इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब जो एक यूनिट एरिया पर जो थ्रस्ट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। देयरफॉर प्रेशर किसके इक्वल है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो ऐसे यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया क्या है, इज इन इक्वेशन वी गेट ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर के है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो थ्रस्ट है वो क्या है, फोर्स है, ठीक है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट बेसल पास्कल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, और इसको हम पी ए करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन एरिया। जैसे हमारे पास ये दो वुडन के ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ वुड कैप्ड ऑन टेबल टॉप, मतलब टेबल के टॉप पर है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम और इसके डिमेंशन क्या है, 40 सेंटीमीटर, ये होगी लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी 20 सेंटीमीटर और हाइट होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द प्रेशर बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डिमेंशंस, तो मतलब एक तरीके में 20 × 10, मतलब एक तरीके में जब वो टेबल है, जो वुडन का ब्लॉक है वो खड़ा है, तो वो कितना थ्रस्ट लगाता है, अगर वही हम जो वुडन का ब्लॉक है उसको इस तरह लटा देते हैं तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो जब हम वो खड़ा है तो उसकी डिमेंशन क्या है, 20 × 10, और जब वो लेटा हुआ है तो उसकी डिमेंशन क्या है, 40 × 10, ठीक है। हाँ जी, अब इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमें मास ऑफ वुडन ब्लॉक, मास ऑफ वुडन ब्लॉक आपको कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम, ओके, और उसके बाद हमें दिया हुआ है इसकी डिमेंशंस, डिमेंशंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो सबसे पहले हमने निकालना है इसका थ्रस्ट, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, फोर्स, एक फोर्स है, फोर्स का क्या फार्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो हम फोर्स निकालेंगे 5 × 9.8, इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 49, मतलब फोर्स कितनी आ गई, 49 न्यूटन। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया किसके होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर जब आपका जो ब्लॉक है वो इस तरह खड़ा हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में इसका एरिया कितना है, ये इसकी लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ इसकी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर,
इसका एरिया कितना आया, 20 × 10 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर, मीन्स 200 × 100। ठीक है, क्योंकि वन सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर के इक्वल होते हैं। ओके, तो दूसरे केस में अब इसका जो प्रेशर है वो क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है, थ्रस्ट 49, 0.02। इसको सॉल्व करके आंसर आया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस में ये थ्रस्ट तो सेम रहेगी, जो एरिया है अब हमने बॉक्स को ऐसे लटाना है। ठीक है, अब इसकी लेंथ है क्या, 40 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 × 10 कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, (0.04 meters)। तो इसका जो प्रेशर है वो कितना है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है, 49 / 0.04। इसको सॉल्व करने के बाद ब्रेथ 20 दी है, इसका कितना आ गया आपका, 612.5 मीटर्स। ठीक है, अब बताओ कौन ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसका प्रेशर इतना है और इसका प्रेशर इतना है। तो नेचुरली जिसका एरिया कम है वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जिसका एरिया ज्यादा है वो कम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। लिखेंगे देयरफॉर बॉक्स ऑफ डिमेंशन 20 × 10 सेंटीमीटर एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन टेबल टॉप। ओके, आई थिंक अब आपको चीज समझ आ गई होगी। ओके, तो इसी वजह से ना लिखते हैं कि जो आपका जो नेल है वो आगे से तीखी क्यों होती है, जो नाइव है वो आगे से शार्प क्यों होते हैं, जो बिल्डिंग है वाइड फाउंडेशंस, जो बिल्डिंग होती है वो आगे से चौड़ी क्यों होती है। ठीक है,